चलिए महाराष्ट्र के बाद अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर कोविड से हो रही मौतों का एक चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। पूरे राज्य में कोविड से औसतन 33% मौतें हुई हैं, वहीं कुछ इलाकों में ये आंकड़ा 50% से भी पार है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बीते 12 दिनों के जारी आंकड़ों के अनुसार 12 लाख की आबादी वाले रतलाम में 49 मौतें हुई हैं, वहीं 26 लाख से ज्यादा आबादी वाले भोपाल में एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। जब इस बारे में टाइम्स नेटवर्क ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि राज्य में कोविड नियंत्रण में है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। देश में जनभागीदारी का मॉडल मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट की स्थिति में है। आज हमारे पास 600 मात्र केस बचे हुए हैं और सारा हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं और हमारे बहुत सारे मौत के आंकड़े बहुत आ रहे हैं। बीबी, अगर पॉजिटिव के मामले में बात करें, 19 मौत हो जाती हैं, सिर्फ 37 पॉजिटिव आए। नहीं, जो भी है वो सब आप लोगों को सारी जनता के सामने हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की किसी को भी सीरियसनेस ना आए। जो भी पेशेंट हैं उनको हम स्वस्थ करके घर भेज सकते हैं। हालांकि आपने सुना कि क्या कहना है मंत्री साहब का मध्य प्रदेश के, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है और इसे एक बड़ा घोटाला भी करार दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस मामले में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्पष्टीकरण मांगा है। देयर आर नो पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल बट स्टिल डेथ्स आर बीइंग रिपोर्टेड। दिस इटसेल्फ इज अ स्कैम। 23 patients are positive and 49 deaths. This government has to explain, Shivraj ji has to explain this, what's happening. More than 50% death rate is there and still they are telling that positivity rate is 0.5%. What you are going to claim? And death ratio? Death ratio is 50%, in some cases 200%, yes. In some districts it is enormously growing. Why? Are you adjusting the deaths? Patients 23, death 49. This itself is a scam.